फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राजेश का शॉर्ट चैनल। जैसे कि आप लोगों ने मैंने बोला था कि मैंने एक शॉर्ट डाला था जिसमें बहुत सारी मैंने अपनी स्टेशनरीज बताई थी। एंड उसके बाद मैंने आपको बोला भी था कि इसका स्टेशनरी का वीडियो जल्द ही राजेश के शॉर्ट चैनल पर आने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं वो वाला शॉर्ट का वीडियो आपको यहाँ पर बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत और स्टेशनरीज भी ऐड की है। तो चलिए मैं आपको अपनी सारी स्टेशनरी का कलेक्शन एक एक करके बताती हूँ। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बस आप देख सकते हो कितनी सारी स्टेशनरीज यहाँ पे पड़ी हुई हैं। और ये एक और आ गई, तो मैं आपको एक एक करके बताती हूँ ये सारी स्टेशनरीज। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली स्टेशनरी है ये एक यूनिकॉर्न सीक्वेंस डायरी। आप देख सकते हो इतनी क्यूट है ना, और फिर इतने मतलब सीक्वेंस हम ऐसे खेल भी सकते हैं। और यहाँ पे हम मेरे को सारे ड्राइंग्स भी बनाए हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें की है। तो ये मेरी फेवरेट डायरी है। एंड अभी नेक्स्ट मैं बता रही हूँ, तो मेरे पास है एक मिनी रेड टेप जो देखने में बहुत छोटा है पर बहुत अच्छा चलता है। नेक्स्ट मेरे पास एक जायंट टेप, अगर वो वाला टेप ख़त्म हो जाए ना तो मेरे पास ये ब्राउन जायंट टेप तो बचा ही रहता है। और नेक्स्ट है मेरे पास स्लाइम, जिससे मुझे खेलने में बहुत मज़ा आती है। आपको भी खेलना है ये देखो। तो अगर आपको ये स्लाइम अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और स्लाइम नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे पेंट्स, जिसमें ग्लिटरी सिल्वर और ग्लिटरी गोल्डन भी है और बाकी सब कलर्स भी है, बहुत ब्राइट और अच्छे कलर्स है। नेक्स्ट मेरे पास एक और, इसमें एक ग्लिटरी ब्लू कलर है गाइस, सच में ग्लिटरी ब्लू कलर है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है मेरे पास एक छोटी सी था रेड कलर की, और आई नो कि मुझे रेड कलर नहीं पसंद पर अभी मेरे पास रेड कलर की चीज़ है, जैसे कि ये रेड टेप और ये रेड सीज़र। मेरे थोड़ी थोड़ी ऑरेंज टाइप ऑफ लगती है पर असल में रेड है। अगर ये वाली सीज़र काम ना करे ना तो मेरे पास हमेशा एक बड़ी सीज़र रहती है, और ये वाली मेरी क्राफ्ट है और मुझे बाकी सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करती है और ये मेरी फेवरेट चीज़ है। तो नेक्स्ट थिंग इज़ दिस ब्लैक स्केच पेन। आज ही मेरी मम्मी नया वाला है, यू नो ये वाला स्केच पेन लाई है और ये बहुत अच्छा चलता है। मैंने हाथ पे भी ट्राई किया था और एकदम अमेजिंग चलता है। और अगर भाई इसकी इंक ख़त्म हो जाए और मुझे बोर्ड यानी कि कहीं मार्कर्स में या फिर सब में काम आ रहा हूँ ना, तो भाई मेरे पास एक और ब्लैक मार्कर भी है, इससे मैं टैटूज और बहुत सारी चीज़ बनाती हूँ। और ये वाइट बोर्ड मार्कर है, और ये मार्कर आप किसी भी कांच या फिर यू नो टाइप ऑफ मिरर पे भी लिख सकते हो। मैंने ट्राई किया है, मैं आपको बताऊँगी ज़रूर। नेक्स्ट है मेरे पास दिस ब्लू परमानेंट मार्कर, ब्लू कलर का है और परमानेंट है, कभी नहीं निकलता। और मैं सच में एक बार ट्राई किया अपनी विंडो, आपको मेरी विंडो तो पता ही होंगी, राजेश कर चैनल पे बहुत बार आई होंगे। मैंने उस पर यू नो डॉट 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 बनाया, फिर मैंने कितना हाथ से निकाला, कुछ निकला ही नहीं। मैंने स्प्रे मार के निकाला, साबुन लगा के निकाला, पर वो निकलता ही नहीं। सच में एकदम परमानेंट मार्कर है। नेक्स्ट चीज़ है मेरे पास कलरफुल स्केच पेन। तो देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे कलर्स के अलग अलग स्केच पेन्स है, जो मुझे हमेशा सारे क्राफ्ट बनाने में बहुत काम करती है, मेरा मतलब हेल्प करती है। नेक्स्ट मेरे पास स्टिकी नोट, यहाँ पे मेरे पास है ब्लू ऑरेंज ग्रीन पिंक और येलो कलर के स्टिकी नोट, जो मुझे क्राफ्ट में कुछ ज़्यादा ही काम करता है, मेरा मतलब हेल्प करता है। नेक्स्ट मेरे पास ये लंबी सी येलो कलर की रिबन, और मुझे ना रिबन बहुत सारे क्राफ्ट में हेल्प करती है, पर मुझे ना ज़्यादातर येलो कलर के रिबन्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि येलो कलर मेरा फेवरेट कलर है। और येलो रिबन्स का ना टाइप ऑफ बहुत अच्छी लगती है, और पिंक और मौसम भी अच्छी लगती है, पर मुझे येलो अच्छी लगती है। नेक्स्ट मेरे पास पेंटिंग बुक, आई थिंक मेरे पास एक पेपर्स है इसके साथ मिले, तो उसको ऐसे कुछ भी करके हमें करना रहता है, मुझे वो सब नहीं पता कि क्या करना रहता है और वो सब, इसीलिए तो हमने ट्राई किया था तो कुछ ऐसा बना था, मुझे नहीं पता क्या करना रहता है उसमें, तो मैंने
अपनी पेंटिंग बुक में। नेक्स्ट ऑक्टोपस यहाँ पे है एक येलो स्केच पेन और एक ब्लू स्केच पेन, ये दोनों भी मेरे बहुत सारे क्राफ्ट है उसमें हेल्प करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पेंट ब्रश, अगर पेंट ब्रश तो होना ही चाहिए ना करीब पेंट में, पेंटिंग में तो ये पेंट ब्रश बहुत ज़्यादा काम आता है। नेक्स्ट हमारे पास अपने होम मेड स्टिक जो कि है इमोजी वाले, और अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन तो रिपर जल्दी जाके मेरे चैनल को नीचे जाके सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, तो मैं आपको इस इमोजी स्टिकर्स का वीडियो बताऊँगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ चार्ट पेपर या फिर शीट्स आपको भी बोल सकते हो, मेरे पास दो पर्पल शीट्स है और एक ब्लू शीट है। पॉपेट्स, ये है मेरा फेवरेट पॉपेट लाइट हार्ट, इसका नाम मैंने क्यूट फेवरेट टाइप ऑफ हार्ट रखा है। एंड नेक्स्ट मेरे पास ये वाला हार्ट, नेक्स्ट मेरे पास सर्कल, नेक्स्ट मेरे पास टिकटॉक, नेक्स्ट मेरे पास टेडी बेयर, नेक्स्ट मेरे पास ये बिग टाइप ऑफ क्रेयॉन्स। तो गाइस ये इतनी ही मेरी स्टेशनरी, और भी मेरे पास बहुत सारी स्टेशनरीज है, अगर आपको उसका वीडियो चाहिए ना तो जब मेरे इस वीडियो में 50 लाइक्स आ जाएंगे, 50 लाइक्स हाँ जी, अगर मेरे इस वीडियो में 50 लाइक्स आ जाएंगे तो मैं स्टेशनरी पार्ट 2 बनाऊंगी, और अगर मेरे टोटली 45 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तब मैं 45 बस 5 सब्सक्राइबर्स और चाहिए, चलो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, नहीं 45 ठीक है, जब मेरे 45 सब्सक्राइबर्स होंगे तब मैं आपके लिए इमोजी स्टिकर्स का वीडियो बनाऊंगी। तो जल्दी जाके मेरी स्टेशनरी पार्ट 2 के लिए जल्दी जाके मेरे 50 लाइक्स कर दो और साथ साथ 5 सब्सक्राइबर्स और बढ़ा दो, तो मैं आपके लिए इस इमोजी स्टिकर्स का वीडियो बनाऊँगी। बाय।